हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज देखिएगा, हम एक बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बनाना सीखेंगे। ये डोरमेट मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। हमने इसको 28 फंदों से बनाया था। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी इसको 32 फंदों के लिए, तो यहाँ पर आज हम इसको 32 फंदों से बनाएंगे। आप 28 फंदों से बनाएं, 32 फंदों से बनाएं या 40 फंदों से बनाएं, आपको फंदों का हिसाब इसी तरह से रखना है जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको फंदे जोड़े के हिसाब से रखने हैं, और आपके फंदे जब आप दो हिस्सों में बांटें तो फंदे आपके बराबर बढ़ जाने चाहिए। तो जैसे मैंने ये 28 फंदों पर बनाया था, अब 32 फंदों पर हम 16 16 के हिसाब से फंदे रखेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैंने इसे 3 कलर में बनाया था, अब हम यहाँ इसको 2 कलर में बनाना सीखेंगे। तो आप चाहें तो इसे 2 कलर में बना सकते हैं, 3 कलर में बना सकते हैं, या फिर आप इसकी हर पत्ती को अलग कलर से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप इसको कई तरह से इसमें कलर को ऐड कर सकते हैं। अगर आप 4 कलर से बना रहे हैं तो आपकी ये देखिएगा इस तरह से पत्तियाँ आएंगी। ये दो पत्ती आप एक रंग से रखिएगा, ये दो पत्ती एक रंग से रखिएगा, ये दो पत्ती एक रंग से रखिएगा, ये दो पत्ती एक रंग से रखिएगा, और ये में बेस कलर रखेगा। तो आप इसको 5 कलर में बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको काफी कलर के साथ बना सकते हैं, आपकी मर्जी के हिसाब से और जैसे भी आपको पसंद आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम इसको 32 फंदों से बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर पिंक कलर लिया है और ये व्हाइट कलर है, और मैंने यहाँ पर देखिए 9 नंबर की नीडल ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस डोरमेट को बनाना सीखेंगे। अगर आप भी बना रहे हैं तो आप भी मेरे साथ फंदे डालकर इसको बनाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं इसमें पिंक कलर से फंदे डालूंगी। पिंक कलर से फंदे डाल आप चाहें तो व्हाइट कलर से भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें पिंक कलर से फंदे डाले हैं, तो सबसे पहले हम इसमें बिल्कुल सिंपल फंदे डालेंगे। देखिएगा, फंदों में यहाँ पर नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने से यहाँ पर एक फंदा हमारा बन जाएगा। अब देखिएगा, अब हम यहाँ से फंदे डालेंगे। फंदे बिल्कुल सिंपल डालने हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे हमने 10 फंदे डाले हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर टोटल 32 फंदे डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने इसमें टोटल 32 फंदे डाल लिए हैं। देखिएगा यहाँ से, ये देखिएगा 4 8 12 16 20 24 28 और ये 32, 32 फंदे हमने डाले हैं। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब हम यहाँ से सारे फंदे बनाएंगे। ये देखिएगा, पूरी सिलाई को हमें ऐसे ही सिंपल बनाना है। ये फर्स्ट रो है हमारी फंदे डालने के बाद, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से बनाना है सिलाई को। ये देखिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं बनाएंगे तो आपके फंदे यहाँ से खुल भी सकते हैं। आप फंदे अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। आप किसी और तरीक़े से फंदे डालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है, सबसे सिंपल तरीका होता है फंदे डालने का, तो आप यहाँ से इस तरह से भी फंदों को डाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, हम ये सारे फंदे बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सिलाई हमने पूरी बनाते हुए कंप्लीट की। अब ध्यान से देखिएगा आप क्या करेंगे, अब हम यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतार देंगे। और यहाँ से देखिएगा, अब हम फंदों को बनाएंगे। और इस डोरमेट को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो फर्स्ट रो आएगी वो राइट साइड से आएगी। फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर ये हमारी सेकंड रो है, ये रॉन्ग साइड से है। और जो हमने इससे पहले सिलाई बनाई थी वो हमारी फर्स्ट रो थी राइट साइड से। तो यहाँ से देखिएगा, फंदों को बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में अब हमें दो फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, सिलाई को टर्न करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, पहला फंदा बगैर बुना उतार देंगे और यहाँ से अब हम फंदों को बनाते हुए जाएंगे। बहुत ध्यान से देखना है फ्रेंड्स आपको, बहुत ही आसान सा डोरमेट है। बस थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। और आप इसको कितना भी बड़ा बनाएं या छोटा बनाएं, आपको फंदों का हिसाब इसी तरह से रखना है कि आपको जोड़े के हिसाब से रखने हैं फंदे। तो यहाँ पर देखिएगा,
इधर भी हम लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे। हमें दोनों तरफ फंदे छोड़ने हैं क्योंकि हम ये पत्ती बना रहे हैं, तो हमें दोनों तरफ इसमें फंदे छोड़ने हैं। तो देखिएगा, लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, सिलाई को टर्न करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और फिर से हमें फंदों को बनाते हुए जाना है और लास्ट में दो फंदे छोड़ने हैं। तो इस तरह से हम दोनों साइड में दो दो फंदे लास्ट में छोड़ेंगे। देखिएगा, ये देखिएगा, दो फंदे हम यहाँ पर फिर से बगैर बुने छोड़ देंगे, सिलाई को टर्न करेंगे और यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और फिर से यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो इस तरह से हर बार हमें लास्ट में दोनों तरफ दो दो फंदे छोड़ने हैं। ये देखिएगा, दो फंदे हमने यहाँ छोड़ दिए। इस तरह से देखिए, दो दो करते हमने चार फंदे यहाँ छोड़े, दो दो करते हुए चार फंदे यहाँ से छोड़े। फिर से हमें इसी तरह से बनाना है। तो यहाँ दोनों साइड में हम बराबर फंदे छोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैं ये फंदे छोड़ लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैंने कितने फंदे छोड़े हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिएगा, हमने इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 फंदे इधर छोड़ दिए हैं और 2, 4, 6, 8, 10, 12 फंदे यहाँ पर छोड़ दिए हैं। बीच सेंटर में देखिए, हमारे पास यहाँ पर 2, 4, 6, 8 फंदे हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। देखिएगा, उल्टी सिलाई में आ गए हैं हम यहाँ पर। ये यह हमारी सीधी साइड है, यहाँ पर उल्टी सिलाई में आ गए हैं। तो यहाँ से अब ध्यान से देखना है आपको क्या करेंगे। अब देखिए, हम यहाँ से देखिए एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से देखिएगा, ये 8 फंदे बना लेंगे और यहाँ से दो फंदे इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से वापस हो जाएंगे। अब यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और इधर साइड से भी हमें दो फंदे ऐड करने हैं। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी ये दो फंदे ऐड करेंगे, फिर से वापस हो जाएंगे और यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतारते हुए फिर से हमें दो फंदे लास्ट में ऐड करने हैं। तो जैसे हमने दो दो फंदे छोड़े थे, अब हमें हर बार दो दो फंदे दोनों तरफ से ऐड कर लेने हैं। देखिएगा, इस तरह से फिर से यहाँ से टर्न करेंगे और एक फंदा बगैर बुना उतारते हुए यहाँ से फंदों को बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में दो फंदे ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड में हम दो दो फंदों को ऐड करते हुए सारे फंदे ऐड करेंगे। ये देखिएगा, ये दो फंदे यहाँ से ले लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे फंदे ऐड कर लेने हैं दोनों साइड में से। एक बार इधर से करेंगे, एक बार इधर से, तो हमारी ये पत्ती सी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने दो दो फंदे करते हुए दोनों तरफ से ऐड कर लिए। अभी आपको ये पत्ती ऐसी खट्टी सी लगेगी, लेकिन ये बाद में सेट हो जाती है पत्ती। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पर व्हाइट कलर लगाएंगे। आप जो भी कलर ले रहे हैं आप वो लगा लीजिएगा। यहाँ से मैंने व्हाइट कलर लिया है, तो मैं यहाँ पर व्हाइट कलर को ऐड करूँगी। देखिएगा, इस तरह से करते हुए, और ये देखिए, तो यहाँ से धागे को टाइट कर लेंगे। ये देखिएगा, और यहाँ से हम अब पूरी सिलाई व्हाइट कलर के साथ बनाएंगे। तो पूरी सिलाई को बनाएंगे हम व्हाइट कलर के साथ ही। देखिएगा, यहां से
लास्ट तक हमें फंदों को बनाना है। देखिएगा इस तरह से, अब देखिएगा यहाँ से एक फंदा बना उतारेंगे और बाकी के फंदे हम सारे यहाँ पर उल्टे बना लेंगे। ये देखिएगा लास्ट के फंदे को हम यहाँ पर सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से हमें बाकी के फंदे उल्टे बनाने हैं और लास्ट का फंदा सीधा बनाना है। ये देखिएगा लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। अब आ जाते हैं देखिएगा उल्टी सिलाई में। तो यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको सिलाई को, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 फंदे हम बनाएंगे और 16 फंदे हम यहाँ पर छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे। अब हमें इन्हें 16 फंदों पर डिजाइन बनाना है, 16 फंदे हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिएगा एक फंदा हम यहाँ पर, ये चाहे तो आप बगैर बुना उतार सकते हैं, चाहे बुन सकते हैं, तो यहाँ पर इस फंदे को बगैर बुना उतार देंगे। और देखिएगा यहाँ से अब हम देखिएगा फंदों को बनाएंगे और लास्ट के फंदे को हमें सीधा बनाना है। ध्यान से देखना है अब आपको। ये देखिएगा यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतार देंगे। ये देखिए अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई में, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे। अब हम यहाँ से, पहले हमने 16 फंदे बनाए थे, अब हम यहाँ पर 15 फंदे बनाएंगे। ये एक फंदा हम यहीं पर छोड़ देंगे, अब यहाँ से वापस हो जाएंगे। फिर से हमें सीधी साइड में फंदों को ऐसे सिंपल बनाना है और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से सीधी साइड में कुछ नहीं करना है। ये देखिएगा एक फंदा ये लास्ट का सीधा बना लेंगे। उल्टी सिलाई देखिएगा, अब हम यहाँ से 14 फंदे बनाएंगे, यानी कि फिर से हमें लास्ट में एक फंदा बगैर बुना छोड़ देना है। तो यहाँ पर ये फंदा बगैर बुना छोड़ देंगे, सिलाई को टर्न करेंगे और सीधी साइड में आ जाएंगे, एक फंदा यहाँ से इसे बगैर बुना उतार देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर फंदों को बनाया, हर बार एक एक फंदा हमें यहाँ पर छोड़ देना है। ये देखिएगा इस तरह से, तो यहाँ पर सारे फंदे इस तरह से यहाँ पर छोड़ देंगे एक एक करते हुए। और देखिए एक एक करते हुए मैंने 14 फंदे छोड़ दिए, लास्ट 2 फंदे हमारे पास रह गए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, जब हमारे पास 2 फंदे रह जाएंगे तब देखिएगा क्या करना है, इन्हें 2 फंदों को बना देंगे और एक फंदा इसमें से और ऐड करेंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे और ये 2 फंदे देखिएगा हम बना लेंगे। देखिएगा और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। आप आ जाते हैं देखिएगा उल्टी सिलाई में, तो जैसे हमने एक एक फंदे छोड़े थे, अब हमें एक एक फंदे ऐड करने हैं। तो यहाँ से देखिएगा ये 3 फंदे बनाएंगे, एक फंदा इसमें और ऐड करेंगे। अगर यहाँ पर आपको गैप लगता है तो आप यहाँ से ये देखिएगा फंदा उठाते हुए इस फंदे के साथ मिलाते हुए बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से फिर से वापस हो जाएंगे और यहाँ से फंदों को हम ऐसे ही बना लेंगे सिंपल, लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। अब फिर से देखिएगा एक बार, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और
और यहाँ से हमें एक फंदा ऐड कर लेना है, ये देखिएगा। तो इस तरह से करते हुए हमें एक एक फंदे करते हुए सारे फंदे ऐड कर लेने, यानी कि हमने 16 फंदे लिए थे ये एक साइड में, तो हमें ये सारे 16 फंदे इसमें देखिएगा बना लेने हैं इसी तरह से करते हुए, देखिएगा। एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से फंदों को बनाते हुए एक फंदा ऐड करेंगे, तो यहाँ से फंदा उठाएंगे और इस एक फंदे को ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से एक फंदा ऐड करते हुए हमें सारे फंदे ऐड कर लेंगे, जहाँ तक हमने 16 फंदे देखे, 3, 6, 9, 12, 14, 16 यहाँ तक हमने बनाए थे, तो यहाँ तक एक एक करते हुए फंदे को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा एक एक करते हुए हमने यहाँ टोटल 16 फंदे कर लिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ये धागा ये वाला लेंगे, आपको यहाँ पर धागे को कट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर कट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर धागा लंबा छूट जाएगा, लेकिन यहाँ मैं आपको बताने के लिए इसको यहीं से ऐड कर रही हूँ। तो देखिएगा यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेती हूँ, ये देखिए, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ, नहीं तो आपको यहाँ से धागे कट करना है, क्योंकि काफ़ी धागा लंबा छूट जाएगा यहाँ पर। अब हम पूरी सिलाई देखिएगा पिंक कलर के साथ बनाएंगे, यानी कि जितने भी फंदे हैं अब हमें सारे बनाने हैं। 16 फंदे तो हमारे ये थे जिस पर हम यहाँ पर डिज़ाइन बना रहे थे, और 16 फंदे जो हमने छोड़ दिए थे उन्हें भी हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ से बनाते हुए देखिएगा यहाँ पर गैप है, तो यहाँ से हमें फंदा उठाना है, तो ध्यान से देखना है आपको फंदा कहाँ से उठाना है। देखिएगा यहाँ से हम फंदा उठा लेंगे, ये देखिएगा यहाँ से फंदा उठाते हुए और दो का एक कर देंगे इस तरह से, ये देखिए, और बाकी के सारे फंदे बना लेंगे, यानी कि यहाँ से हमारी नेक्स्ट पत्ती स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिएगा एक सिलाई बनाने के बाद जैसे हमने पहले बनाई थी सीधी साइड से हमारी पत्ती बननी स्टार्ट होगी, एक सिलाई हमें ऐसे ही बना लेनी है। अब देखिएगा यहाँ से जैसे हमने फर्स्ट रो से बनाया था सीधी साइड से, अब हम उसी तरह से बनाएंगे, पहला फंदा बगैर बुना उतारेंगे और बाकी के फंदे हम उल्टे बनाते हुए लास्ट के फंदे को हम सीधा बना लेंगे। तो यहाँ से आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हमने फिर से पत्ती को स्टार्ट किया है, हमने सीधी साइड से ही पत्ती को स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर भी ये देखिएगा हमारी सीधी सिलाई है और यहाँ से हमारी नेक्स्ट पत्ती स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए पहले आपको ये पत्ती इस तरह से इकट्ठी दिखाई दे रही थी, अब देखिए बनने के बाद हमारी पत्ती खुद ब खुद सेट हो जाती है। और बहुत से सब्सक्राइबर कहते हैं कि इसमें झोल आ जाता है, ऐसा नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और बहुत अच्छे से हमारी ये पत्तियाँ सेट हो जाएंगी। टोटल 8 पत्तियों पर हमारा ये डिज़ाइन बनेगा, ये देखिएगा लास्ट के फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब हमें फिर से उसी तरह से बनाना है, यहाँ से बनाते हुए जाएंगे लास्ट में दो फंदे छोड़ देंगे, फिर इधर से बनाते हुए जाएंगे तो लास्ट में दो फंदे छोड़ देंगे, तब तक हम फंदों को छोड़ेंगे जब तक हमारे सेंटर में 8 फंदे नहीं रह जाते, यानी कि 12 फंदे हमें इधर छोड़ने हैं, 12 फंदे इधर छोड़ने हैं और 8 फंदे रह जाएंगे, तब हम दो दो फंदे करते हुए ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपको इस डोरमेट को बनाना है, बहुत ही प्यारा और आसान सा डोरमेट है, इसको आप इजीली बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और आप इसे कितना भी बड़ा बना सकते हैं। ये 16 ये हमने 28 फंदों पर बना ये हमने 28 फंदों पर बनाया था और ये हमने 32 फंदों पर बनाया है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरे डोरमेट के डिज़ाइन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।